गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र में रहने वाली बहादुर बिटिया प्रिया सिंह का मोबाइल लूटने वाले बदमाशों का 1400 किलोमीटर पीछा करके गोरखपुर पुलिस ने महाराष्ट्र के मनमाड़ में जीआरपी की मदद से पकड़ लिया। ट्रांजिट रिमांड पर बदमाशों को गोरखपुर लाया गया। लूटा गया मोबाइल व घटना में इस्तेमाल हुई बाइक बरामद करने के लिए आरोपियों को कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा। गोरखपुर की इस बहादुर बेटी की चारों तरफ तारीफ हो रही है। बदमाशों के पकड़े जाने के बाद मीडिया से रूबरू हुए एसएसपी विपिन तांडा ने बताया कि शाहपुर के गुलाली वाटिका में रहने वाली प्रिया सिंह 23 अक्टूबर की शाम 5 बजे सामान खरीदने बाजार जा रही थी। जेल रोड पर पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लिया। वारदात के बाद प्रिया ने बहादुरी दिखाते हुए बाइक पर पीछे बैठे बदमाश का शर्ट पकड़कर कालर खींच लिया। बाइक की स्पीड तेज होने की वजह से सड़क पर घिसकर वह घायल हो गई। कालर छूटने पर बदमाश फरार हो गए। घटनास्थल के पास लगे सीसी कैमरे में बदमाशों की करतूत कैद हो गई। कैमरे में फुटेज की मदद से बदमाशों की पहचान शाहपुर के गीता वाटिका निवासी विपुल कुरैशी उर्फ साहिर और राजघाट के तुरमान कपूर निवासी छोटू उर्फ फिरोज के रूप में हुई है। सर्विलांस की मदद से तलाश करने पर पता चला कि दोनों बदमाश पुष्पक एक्सप्रेस में मुंबई जा रहे थे, जिसके बाद थाना अध्यक्ष शाहपुर दुर्गेश सिंह जेल रोड चौकी प्रभारी विकास सिंह उनके पीछे लग गए। 1400 किलोमीटर 25 अक्टूबर की रात 12 बजे महाराष्ट्र में मनमाड़ रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की मदद से बदमाशों को दबोच लिया गया। रेलवे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश कर 48 घंटे की रिमांड में आरोपितों को गोरखपुर लाया गया। एसएसपी ने बताया कि विपुल कुरैशी हत्या की कोशिश करने के मामले में जेल जा चुका।